आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहे हैं फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। जरा समझिए बेटा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई नंबर तो हमें दिया ही हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे बेटा क्या कि z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 बेटा आप लेट कर सकते हो c प्लस आयोटा d। आप चाहो तो a1 b1 और a2 b2 भी लेट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका बेटा हमें क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा देखिए, z1 इंटू z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगी बेटा, वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है, और अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो आप सिंपली मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा देखो, a की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ac प्लस इसकी बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा ad प्लस फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बेटा, आयोटा bc प्लस फिर इसको इससे करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस वन और क्या जाएगा, बीडी। समझ में आ गई बात या नहीं। अब जरा देखिए z1 z2 आप इसमें से रियल पार्ट अलग कर लीजिए, रियल पार्ट क्या है बेटा, AC और BD, तो AC BD प्लस आयोटा बेटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, AD BC। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा हमें इसका क्या निकालना है, रियल पार्ट क्या निकालना है बेटा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या है बेटा, रियल पार्ट ये रहा, मतलब ac माइनस bd। बताइए कोई दिक्कत, ये हो गई बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गई बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा देख लीजिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बेटा क्या देखना है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, जरा देखिए a, और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है बेटा, c माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बेटा क्या है, b, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है बेटा, d। आप देख सकते हो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। समझ में आ रही बात है नहीं, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है, बाकी राइट वाला पार्ट तो अपने आप ही आ जाना है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।